डियर फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके मैं तीन क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूं। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। इसमें जो है, जो बताया हुआ है कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एक टावर है, टावर की हाइट हमें पूछनी है। ठीक है, टावर की हाइट पूछी गई है इस क्वेश्चन में हमसे। तो टावर की जो हाइट है वो मैं एच मान के चल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बात करेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। पी अपॉन बी की बात करेंगे तो थीटा के लिए बात करेंगे हम टेन में। टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू h है अपॉन BC की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टू, सॉरी रूट थ्री होती है, 1 अपॉन रूट थ्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू h अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एच इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 30। तो एच इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो इधर जाएगा डिवाइड में, 30 अपॉन रूट थ्री। मैंने बताया था जब किसी भी नंबर की संख्या अपॉन में रूट में आ जाए तो उसका क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई, रूट थ्री से डिवाइड, तो आगे क्या आएगा, 30 रूट थ्री अपॉन थ्री। थ्री से 30 को कैंसिल कर दीजिए 10 टाइम, तो 10 रूट थ्री मीटर, ये इसकी हाइट होगी, किसकी, टावर। ओके, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ख्वाब है तू, नींद हूं मैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जो ट्रायंगल के बारे में जो क्वालिटी दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो इस क्या है इस क्वेश्चन में, कि जो ट्रायंगल था उसकी हाइट, ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू दे दी है 60 मीटर। ठीक है, और एंगल दे दिया था उसमें 60 डिग्री। तो इसमें जो पूछा है वो पूछा है कि पी और के, पी से के तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस हमसे इसमें पूछा गया है, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण निकालना है हमें। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि के एल अपॉन के एल अपॉन केपी, के एल अपॉन केपी हमारे पास एबलिबल है, और जो केपी अपॉन के एल यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है साइन थीटा के इक्वल, किसके, साइन थीटा के। तो साइन थीटा, इससे आगे देखेंगे साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू के एल, के एल की वैल्यू कितनी है, के एल की वैल्यू 60 अपॉन केपी की वैल्यू नहीं पता अभी, तो केपी का केपी रहेगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू 60 का 60 रहेगा अपॉन केपी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री इंटू में क्या है इसके साथ, केपी इज इक्वल टू, वैसे इंटू यहां पर लगाने की जरूरत नहीं, रूट थ्री केपी इज इक्वल टू टू इंटू 60। तो टू इंटू 60 क्या हो जाएगा, 6 टू 12 यानी 120 यहां पे आंसर हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब रूट थ्री यहां पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, केपी इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट थ्री। Understood? तो 1 अपॉन 20 के लिए, 120 यानी 120 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, KP इज इक्वल टू 3 इंटू 40 अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री से जो 3 है वो रूट थ्री टाइम कैंसिल हो जाएगा, K इज इक्वल टू रूट थ्री, K इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू में क्या है 40। तो ये K है, के यानी कर्ण, यहां केपी भी लिख सकते हैं इसको। तो
तो इसकी जो हाइट है वो होगी, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, 40√3 मीटर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है अब क्वेश्चन नंबर का 6 का सॉल्यूशन। मैं आपको बताऊंगा कैसे है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जानेंगे हम इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में बताया हुआ था कि एक बिल्डिंग है, टावर है, जिससे कुछ डिस्टेंस पर, डिस्टेंस नहीं दिया, कुछ दिया हुआ है, बताया हुआ है कि इस टावर से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है। ये एएस जो है ना, ये एक लड़के की हाइट है, ठीक है। एएस जो है वो एक लड़के की हाइट है, 1.5 मीटर का वो लड़का है, ठीक है। उसकी आंखों से एक एंगल बन रहा है जो टावर के टॉप पॉइंट से और लड़के की आईज से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और कुछ दूरी वो आगे चला टावर की ओर कुछ दूरी चला है वो, तो वहां पर उसकी जो, अब जितनी ओर वो टावर की ओर चला है, एस से टी तक गया है, ठीक है, एस से टी प्लेस तक वो गया है। तो यहां से जाने तक का जो डिस्टेंस है वो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है सॉल्व करके। तो हम जो बात करेंगे सिर्फ ट्रायंगल पी आर ए में बात करेंगे, ट्रायंगल पी आर ए के लिए। तो हमें सिर्फ इतनी हाइट चाहिए पी आर, तो इस ट्रायंगल की पी आर हाइट कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू हाइट में से हम ए एस यानी आर ए की, आर क्यू की वैल्यू घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पी आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें पी आर की हाइट चाहिए, पहले हमें पी आर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, पी आर इज इक्वल टू टोटल हाइट कितनी है 30 डिग्री, पी आर की हाइट हमें चाहिए, पी आर की हाइट। मगर पी आर की हाइट हमें कैसे निकलेगी, टोटल हाइट है 30 डिग्री, उसमें से माइनस कर देंगे हम आर क्यू की वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1.5, तो 1.5 हम इसमें से माइनस करेंगे, तो 10 की कैरी इधर, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, उसके बाद कितना बचेगा 29 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 28.5, ठीक है, इतना मीटर अब पी आर की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल पी आर ए, इन ट्रायंगल पी आर ए, तो इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है वही निकालना है हमें, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितनी है, हाइट बताइए, हाइट है 30 डिग्री, 30 नहीं आएगा 28.5 आएगा, हाइट कितनी है 28.5। मगर वैसे मैं आपको पहले एक बार इसमें समझा दूं, तो 10 हम क्यों ले रहे हैं, किस, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर और बेस, तो P अपॉन बी यानी कि लंब बटे आधार जो होता है वो 10 की वैल्यू होता है, तो PR अपॉन AR, तो PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है 28.5 टोटल अपॉन AR की वैल्यू नहीं पता, तो AR रहेगा। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, ओके, और अपॉन में AR, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AR इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3। ये हमारी AR की वैल्यू आ गई AR। अब BR की वैल्यू क्या होगी, BR की वैल्यू टोटल में से BR की वैल्यू घट जाएगी, तो BR मान लेता हूं मैं X, ठीक है, BR X मान लेते हैं हम, ये BR को चलो ऐसे ही रहने दीजिए, BR को BR ही रहने देते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल PRB में, इन ट्रायंगल PRB में वही होगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 60, अब वही होगा बेस अपॉन हाइट, हाइट अपॉन बेस, तो हाइट कितनी है 28.5 टोटल अपॉन, अब आगे
बेस, बेस कितना हो गया, बेस इस टोटल में से ये तो घटेगा नहीं, हम यहां पे लिख देते हैं बी आर, बी आर का बी आर, टेन सिक्सटी की, टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री इज इक्वल टू 28.5 का 28.5, और बी आर की वैल्यू अभी कंफर्म नहीं है क्या होगी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं यहां थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या होगा कि बी आर से, बी आर को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, बी आर रूट थ्री इज इक्वल टू 28.5। अब रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई में जाएगा जब, क्या होगा देखिए, तो बी आर इज इक्वल टू 28.5 रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में रूट थ्री, ओके। ये हो गया बी आर का डिस्टेंस, बी आर का डिस्टेंस, ठीक है। और अब हमें चाहिए किसका, क्वेश्चन में पूछा किसका क्या डिस्टेंस है, कि लड़का जो था, बॉय जो था, वो टावर की तरफ कितनी दूर गया, वो गया था टी एस, तो टी एस कहां से निकलेगा, इस टोटल डिस्टेंस से, ये वाला डिस्टेंस माइनस होगा तभी तो ये निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस लिख लेंगे आप, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अब हम, कि डिस्टेंस है हमारा एस टी, एस टी, तो डिस्टेंस जो एस टी निकाल रहे हैं, एस टी डिस्टेंस को हम, टोटल डिस्टेंस क्या था ए बी का, ए आर का डिस्टेंस क्या निकला था 28.5 रूट थ्री माइनस, टोटल में से माइनस करेंगे कितना, बी आर का, बी आर का डिस्टेंस क्या है, देखिए बी आर का डिस्टेंस है 28.5 अपॉन रूट थ्री, इसका सॉल्यूशन करना है हमें, तो एस टी का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए यहां पर अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, देखिए एस टी के इक्वल निकालना है मुझे, एस टी इज इक्वल टू, ठीक है, एस टी इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो वन मान के जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका रूट थ्री, रूट थ्री एलसीएम आ गया। अब रूट थ्री की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 28.5 में रूट थ्री, तो कैसे होगी, रूट थ्री की मल्टीप्लाई 28.5 रूट थ्री, और माइनस में क्या लिख रहा है 28.5, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो आगे एस टी निकालेंगे जब हम, तो रूट थ्री में रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो हो जाएगा थ्री इंटू 28.5 माइनस 28.5, ठीक है, टोटल अपॉन रूट थ्री, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल लेंगे, एस टी इज इक्वल टू दोनों में से 28.5 कॉमन निकाल लिया हमने, 3 माइनस 1, 28.5 तो कॉमन ले लिया, बचा के 3 माइनस 1, टोटल अपॉन रूट थ्री, तो एस टी इज इक्वल टू 28.5 इंटू 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और अपॉन में आ गया रूट थ्री, ठीक है, अपॉन में रूट थ्री चल रहा है। अब 2 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 2 5 जा 10 की 0 1 कैरी, 2 4 जा 8 2 सॉरी 2 8 जा 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 57 अपॉन 3, तो पॉइंट के बाद तो जीरो जैसे आ गया, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं, और अपॉन में रूट थ्री, ठीक है। तो एस टी इज इक्वल टू 57 अपॉन रूट थ्री, जब रूट में अपॉन में कोई वैल्यू रूट में हो तो उसका रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई 57 में, और अपॉन में भी रूट थ्री से, तो आंसर क्या आएगा 57 रूट थ्री अपॉन थ्री, तो ये एस टी की वैल्यू होगी, एस टी इज इक्वल टू 57 रूट थ्री टोटल अपॉन 3 मीटर, ये हमारी एस टी की वैल्यू निकल आई। जो लड़का जो पिलर की तरफ चला था, टावर की तरफ जो गया था, वो कितना गया था, 57 रूट थ्री अपॉन 3 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। एस टी की जो वैल्यू आ गई, आ गई 57 रूट थ्री अपॉन 3 मीटर, हम क्या करेंगे, 3 से 57 को डिवाइड कर देंगे, एस टी इज इक्वल टू
थ्री वन जा थ्री, टू बचेंगे 27, थ्री नाइन जा 27 और रूट थ्री का रूट थ्री रहेगा और मीटर, तो एस टी की वैल्यू आ जाएगी 19 रूट थ्री मीटर। यहां पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। फिर तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लीजिए, क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक भवन है, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, तो उसी टावर की हाइट हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, तो टेन 45, बी सी डी के लिए जो है वो एंगल है ये छोटा वाला 1045, तो 1045 इज इक्वल टू BC अपॉन DC या CD, ठीक है। BC 1045 की वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू BC की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में 20, ठीक है, अपॉन CD की वैल्यू नहीं दी थी, तो CD का CD, तो CD की वैल्यू आ गई यहां पे जैसे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CD की 1 में मल्टीप्लाई की तो CD और 20 की 1 में की तो 20, तो CD की वैल्यू आ गई यहां पर 20 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे ट्रायंगल ए सी डी की, ट्रायंगल ए सी डी की हमने बात की, तो टेन थीटा, तो टेन सिक्सटी यहां पर है, तो टेन सिक्सटी इज इक्वल टू ए सी, ए सी टोटल हाइट है अपॉन सी डी, वही है कंडीशन, ठीक है। टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री, और ए सी दो पार्ट्स है, ए बी प्लस बी सी, बी सी की वैल्यू थी हमारे पास 20, इसमें पुट कर दी, ए बी की वैल्यू नहीं थी नहीं रखी, सी डी की वैल्यू थी 20 वो भी रख दी, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 20 की रूट थ्री में की तो 20 रूट थ्री आ गया, और इधर ए बी प्लस 20 तो ए बी प्लस 20 का सेम आ गया, अब ए बी तो यही रहेगा, 20 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 20 रूट थ्री माइनस 20, इस पार्ट्स में से 20 को कॉमन ले लीजिए, तो ए बी बराबर 20 कॉमन लेने पर 20 इंटू रूट थ्री माइनस 1, तो यही क्या है इस क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू क्या है 20 इंटू रूट थ्री माइनस 1, हैज द हाइट ऑफ द टेररिज्म टावर इज 20 ब्रैकेट रूट थ्री माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन हमारा 7 यहां पे कंप्लीट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करने के बाद बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो कराएंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।